जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भूल जाते हैं। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है, और रहने की सही जगह अपनी औकात है। दुनिया के इस रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। ज़रूरी नहीं कि हर खामोशी ना ही हो, कोई नाराज़गी, गिला या सब्र भी हो सकती है। इसलिए रूठी हुई खामोशी से बेहतर बोलती हुई शिकायतें हैं। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आपको किसने दुख दिया या किसने आपका दिल दुखाया, बल्कि ज़रूरी ये है कि किसने आपको दोबारा हंसना सिखाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हौसला दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा किसी और की ज़िंदगी में अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद रखोगे तो अपने आप को ही दुखी करोगे। कभी भी उस जगह या इंसान के पास दोबारा ना जाओ जहाँ पर आपको ठोकर लगी हो और जिसने आपका दिल दुखाया हो। जब किसी मुसीबत का हल ना हो रहा हो, फिर वो मुसीबत नहीं रह जाती बल्कि एक सच बन जाता है, जिसको अपना लेने में ही भलाई होती है। हमेशा याद रखो, हर कोई चाहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, पर कोई ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे अच्छा करें। अक्सर यही दो बातें हमें खुश रहने से रोकती हैं, अतीत में जीना और ये देखते रहना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तकलीफ़ होना और दुख होना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम इस तकलीफ़ और दुख से बाहर नहीं आएंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ से। अगर कभी आप तकलीफ में हो तो समझ लेना कि आपका मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत आपकी हो। ज़िंदगी में सबसे कठिन काम यही है, दोगले इंसानों को पहचानना। कदर और वक्त कभी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देते, और जिनको अपना वक्त दो वो कदर नहीं करते। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है, ये तो भगवान से भी दुखी है। हमसे रिश्ता बनाए रखना, क्योंकि हम वहाँ काम आते हैं जहाँ अपने साथ छोड़ देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।